नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अब पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमेरिका अब ऐसा दांव चलने वाला है जिससे पाकिस्तान और चीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन और उत्तर कोरिया को खास चिंता वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया है। दरअसल अमेरिका ने पाक, चीन और उत्तर कोरिया को खास चिंता वाली देशों की लिस्ट में तो डाल दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि इन देशों में और खासतौर पर पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है। इन देशों में धर्म का कोई मूल नहीं है। इसके अलावा क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान और रूस और सऊदी अरब भी ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया है। एंटनी ब्लिंकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 1998 में अमेरिकी कांग्रेसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित करने और उसे लागू करने के बाद से धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन देशों में धार्मिक आजादी का बहुत ज्यादा हनन हो रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य संगठनों को भी इस लिस्ट में डाला गया है। इनमें अलशबाब, बोको हराम, हयात तहरीर, अल शाम, हूती, आईएसआईएस साहेल, आईएसआईएस पश्चिम अफ्रीकी, अलकायदा से जुड़े जमात नस्ल अल इस्लाम वल मुसलमान और तालिबान जैसे संगठन शामिल हैं। एंटनी ब्लिंकन ने आगे कहा, सरकारों को धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाए जाने पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए लंबे कारावास, दमन और धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा के आह्वान जैसे अन्य उल्लंघनों को खत्म करना चाहिए। हम एक दिन एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहां सभी लोग सम्मान और समानता के साथ रहेंगे। हालांकि अब अमेरिका के इस कदम के बाद और एंटनी ब्लिंकन के इस बयान के बाद पाकिस्तान भी चुप नहीं है। पाक ने अमेरिका से इस कदम का सरासर विरोध किया है, साथ ही उसने अमेरिका के इस आकलन को खारिज कर दिया है। पाक विदेश मंत्रालय ने अपना बयान दिया और कहा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां अलग अलग मतों के लोग रहते हैं। अपने अपने संविधान के अनुसार धार्मिक आजादी को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान ने इसको लेकर संगीन निराशा जताई है। बहरहाल अब देखना यह है कि अमेरिका के इस कदम के बाद अब भारत के साथ इन देशों के रिश्तों पर क्या फर्क आएगा। और तो और, जो कदम अमेरिका ने उठाया है, क्या उस कदम के बाद अमेरिका और भारत के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, क्या उस पर कोई असर आएगा? फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।